उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें चार्जशीट में हर्ष मंदर जो कि रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनका भी नाम डाला गया है, योगेंद्र यादव का नाम डाला गया है। इसके अलावा एंटी सीएए जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उनसे जुड़े हुए कई एक्टिविस्ट हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। सफूरा जारगार जो जामिया की स्टूडेंट है, प्रेग्नेंट है, उन्हें बेल मिली फाइनली जा करके, लेकिन अभी भी एक्टिविस्ट हैं जो कि जेल में हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, हमारे साथ है हर्ष मंदर जी, एक बहुत लंबी लिस्ट है एक्टिविस्ट की जिनको इन दंगों में नाम दिया गया है जिनका और जिनको अरेस्ट किया गया है। आप एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत विचित्र है और असाधारण भी। प्योरली अगर हम पुलिस का एक टेक्निकल प्रोफेशनलिज्म के तौर पे भी देखें तो ये जो एफआईआर्स हैं, जो चार्जशीट्स हैं, ये बहुत अजीब तरीके से लिखे गए हैं। एक एविडेंस, क्योंकि चार्जशीट एक इन्वेस्टिगेशन के फाइनल स्टेज पे की स्थिति होती है, जहाँ पुलिस ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, अपने सारे फाइंडिंग्स और अपने सारे जो एविडेंस है जो वो कोर्ट में पेश करना चाहती है, वो सब चार्जशीट में होता है। अब जब हम अंकित शर्मा का जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है, जी उनकी बहुत दुखद जो हत्या हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस को गंभीरता से करना चाहिए था, लेकिन कहाँ उन्होंने जैसे 2 महीने और 1 हफ्ता पहले जामिया में पुलिस द्वारा जब कार्रवाई की गई थी बच्चों के लाइब्रेरी वगैरह में, अगले दिन स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा दुख और आक्रोश था, तो मैं जाके मैंने स्टूडेंट्स को संबोधित किया और एक स्पीच दिया जो पब्लिक डोमेन में है। यहाँ मुख्य रूप से मैंने मोहब्बत और कि जितना भी हिंसा लोग कहें, हाँ, हिंसा से ही जवाब दें, और नफरत की बात हो तो हम मोहब्बत से ही इसका जवाब दें, मुख्य तौर पे यही बातचीत मैंने की स्टूडेंट से। तो उसका रेफरेंस एक ये दिसंबर 16 का की घटना है, और फ़रवरी 22, 23 में जो हिंसा होती है उसको इससे पहले जोड़ना बहुत अजीब है। और ये कहा गया है उसमें कि ही गेव अ हेट स्पीच इन अ फसाड ऑफ पीस, मतलब शांति के नाम पे वो नफरत की बात कर रहे थे। अब ये उन्होंने कैसे माना? और चार्जशीट में जो एविडेंस, वो जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, वो स्पीच को शामिल भी नहीं किया गया है। जो सो फ्रॉम शेयर प्रोफेशनलिज्म, पहले तो ये जो पूरा उन्होंने चार्जशीट प्रस्तुत किया है, आई डोंट थिंक ये किसी भी कोर्ट में जो फेयर ट्रायल करेगी। और हम लोग जानना चाहेंगे कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की हत्या क्यों, किस परिस्थिति में हुई, लेकिन आई थिंक व्हाट इज मच मोर क्लियर इज कि एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव पॉलिटिकल लीडरशिप द्वारा की जा रही है। और मैंने हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर किया था कि कपिल मिश्रा ने जो नफरत की बात की, और जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी जो भीड़ को भड़काया, उनके खिलाफ एफआईआर तक भी दर्ज नहीं है। और उसको लेके मैं हाई कोर्ट में गया था, जस्टिस मुरलीधर थे, उन्होंने एक पिटिशन को सुना, और हम सब जानते हैं कि अगले दिन वो हट गए वहां से। और उसके बाद आज तक भी पुलिस का जवाब ये था कि दिस इज नॉट अ फिट टाइम टू फाइल एन एफआईआर एंड वी विल वेट फॉर अ फिट टाइम। तो सही वक्त एफआईआर दर्ज करने के लिए कब और कैसे होता है ये स्पष्ट नहीं, लेकिन आज तक भी वो सही वक्त, कई और महीने निकल गए हैं, लेकिन सही वक्त है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट लीडर्स को अरेस्ट किया है, विक्टिम्स कम्युनिटीज में भी बहुत सारे लोगों का अरेस्ट हुआ है। लॉकडाउन के दौरान जब वकील नहीं आ सकते थे, उस वक्त से उनका अरेस्ट हो रहा है, लेकिन कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवीण वर्मा को
एफआईआर तक दर्ज करने का ये अभी तक की सही वक्त नहीं आया है। ये जो चार्जशीट है वो भी पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात करती है, लेकिन उसको इन इन घटनाओं को वहां से उझल तो एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव मैं तो मानता हूँ कि ऑलमोस्ट जैसे एक माइथोलॉजी होती है, मतलब एक बिल्कुल एक अजीब सी दूसरी कहानी कि जो एंटी सीएए प्रोटेस्ट जो देश भर में बहुत बड़े स्तर पे हुए थे वो ही हिंसा के कारण है, और ये सरकार जताना चाहती है, और जिन्होंने नफरत की बात की वो इसके लिए जिम्मेदार, जो भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये पॉलिटिकली उनका उद्देश्य तो हो सकता है, लेकिन पुलिस इस तरह से इसी बात को अपने चार्जशीट के माध्यम से और अपनी कार्रवाई के माध्यम से उसको बढ़ाने की कोशिश करी है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स इन द पुलिस, इन द दिल्ली पुलिस, वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। सर, अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो 15 दिसंबर को जो जामिया में घटना हुई, पुलिस कैंपस के अंदर गई, लाइब्रेरी तक में घुस करके छात्रों को बहुत बुरी तरीके से मारा और पीटा गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की घटना हमारे सामने है जहाँ पे पुलिस मूक दर्शक बनी रही। साथ ही हमने ये भी देखा है कि जितने अभी प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली में पैंडेमिक शुरू होने के पहले, उसमें पुलिस का रवैया क्या रहा है। उसके बाद ये चार्जशीट सामने आ रही हैं, ये एफआईआर सामने आ रही हैं। कुछ एफआईआर में पुलिस ने एक सीक्रेट इन्फॉर्मर को कोट करके लोगों के खिलाफ पे चार्जेस बनाए हैं। इन सब को देख करके दिल्ली पुलिस जो कि भारत के लाइक बेस्ट पुलिस फोर्सेस में से एक है, उसके ऊपर में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मैं सरकार में रहा हूँ और बहुत अच्छे पुलिस अधिकारियों से मेरा वास्ता भी रहा है, जो ईमानदारी से, सच्चाई से इंसाफ की बात, इंसाफ के लिए कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि आज दिल्ली पुलिस बिल्कुल दूसरे छोर के आखिरी पायदान तक पहुँचे हैं, जहाँ पे वो मतलब बिल्कुल खुल के एक नफरत और अलगाव की राजनीति का एक बिल्कुल एक औजार के तौर पे अपने आप का इस्तेमाल के लिए वो तैयार हो गए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आज एक सामान्य नागरिक और भी ज़्यादा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो नागरिक हैं या जो स्वतंत्र विचारधारा के जो सरकार के विरोध में अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं वो कहीं भी उम्मीद रख सकते हैं कि पुलिस उनके साथ न्याय करे। एंड आई थिंक एक बहुत क्लियर मैसेज भी देने की कोशिश है कि सरकार के विचारधारा के खिलाफ आप आवाज़ उठाएं तो आपको आपकी खैर नहीं, हम आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और आप नौजवान हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा खतरा है, नौजवान और मुस्लिम हैं, महिला हैं, वामपंथी विचारधारा रखते हैं तो आपके लिए खतरा तो सबसे ज्यादा है। ये बहुत क्लियर एक मैसेज है। और हम जैसे जो ज्यादा उम्र के लोग हैं वो कि आप लोग भी, आप जिस जहां भी हो जो भी हो, हम आपको उसी तरह से डील करेंगे ताकि आप कोई हिम्मत ना कर सके हमारे खिलाफ आवाज उठाने की। सर, इसके आगे अब आप किस तरह के कदम उठाएंगे? आप अपने, आपको भी नाम, आपका भी नाम आया है चार्जशीट में। नहीं, मैंने तो अपने लिए तो बहुत क्लियरली तय किया है कि मैं एंटीसिपेटरी बेल वगैरह के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। इतने विचित्र, मैं मोहब्बत और संविधान की बात करूं और आप मुझे अपराधी मान रहे हैं, मुझे जेल भेजें तो उस वक्त देखेंगे, उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन मेरा जवाब तो सिर्फ यही है कि मैंने अपने लिए सोचा है कि मैं अपना काम
और भी ज्यादा शिद्दत से करता रहूं, जो इस वक्त जो हालात हैं लॉकडाउन के बाद, और जो गरीब और बेघर और अल्पसंख्यक मजदूर लोग हैं उनके बीच में मैं काम करता रहूं और अपनी आवाज़ उठाता रहूं अन्याय के खिलाफ, यही मेरा जवाब रहेगा कि मैंने अपने लिए फैसला किया। तो ये थे हमारे साथ हर्षमंदर जी, जिन्होंने कहा कि वो कोई एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई नहीं करने वाले हैं और अपना काम करते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।